यार एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से बहुत सूरज के और करीब लिया है। क्या बोल रहे है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या बता रहे? हाँ ये देख रहा सामने ये जो पट्टी दिख रही पूरी, ये दुबई हार्बर बोलते हैं इसको, दुबई हार्बर। ठीक है, वो जो बिल्डिंग्स दिख रही है हाँ? ये है इमार बीच फ्रंट। हाँ। इमार बीच फ्रंट, और यहाँ पे पार्किंग के बाजू में देख रहे हो, ये बिल्डिंग के बाजू में बिल्कुल बड़ा सा डब्ल्यू दिख रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। बड़े डब्ल्यू के पास में, बड़े बड़े डब्ल्यू के नीचे तो खजाना, उसके बड़े डब्ल्यू के बाजू में वहाँ पे डमैक की बिल्डिंग्स आ रही है। वो भी एक खजाना ही है, पैसा तो खजाना ही है भाई, वो भी तो खजाना है। उसके बाद वो देखो शोभा की बिल्डिंग आ रही है उधर, और उसके बाद में वहाँ पे अलदार की बिल्डिंग आ रही है। और पता है तुमको वो जो है वो पट्टी, हाँ। वो वाली, वो पता है क्या है? क्रूज टर्मिनल है, क्रूज टर्मिनल। अच्छा। ये क्या होता है अब तुमको पता है? यहाँ पे सारे क्रूज आके रुकते हैं और वहां से पूरे टूरिस्ट उतरते हैं और यहीं आसपास के शॉर्ट टर्म रेंटल पे रहते हैं। और ये जो लोग रह रहे हैं ना, ये देख रहे हो आप यॉट पार्किंग पूरा। हाँ हाँ। अगर तुम्हारे पास या तुम्हारे क्लाइंट के पास यॉट है और वो इस बिल्डिंग्स पे रहते हैं तो यहाँ पे यॉट पार्किंग भी अवेलेबल है, रेंट पे ले लो भाई। और वो देखो प्राइवेट बीच भी मिल रहा है इसमें, और क्या चाहिए? वो रहा पाम, ये रहा मरीना, फुल व्यू, कमाल की लोकेशन है। प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 3.1 मिलियन दिरहम से वन बेडरूम अपार्टमेंट। किस किस के पास क्लाइंट है? लेकर आओ, लेकर आओ, ले आओ, ले आओ, बहुत यूनिट्स है।